यार जो चोरी कर लिए भाई, सब्सक्राइबर ने जो हमारे छत पे चोरी कर लिए, देखता हूँ यार कहाँ तक पहुँचे। वे दोस्तों ये तो मेरे लिए यार, इनको पकड़ दो यार। दोस्तों हमारी ढीठ मुर्गी ने एक और अंडा दे दिया भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह से। चूजों को भी हम अपने खोल देते हैं, और अर्तरोल और ढीठ मुर्गी तो वैसे ही बाहर जा चुके हैं, और अंडे को निकाल लेते हैं बाहर और इसको संभाल के रख देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये नवा अंडा हो चुका है, और इस अंडे को जल्दी से संभाल कर रखकर आता हूं। और उसके बाद अर्तरोल और ढीठ मुर्गी को तो मैंने बाहर निकाल दिया, और रैबिट उनके केज में जाके घुस गया यार। खैर हम लोग अंडा रखते हैं यहाँ पर संभाल के रोज, और फिर उसके बाद मैं नीचे ले जाता हूँ दोस्तों। तो यार अंडे को नीचे ले जाएंगे, बाद में जा सकते हैं नीचे जाएंगे। बाकी अभी अर्तुरुल और हलीमा को, और ओ हलीमा बोल रहा हूँ, हलीमा मुझे निकल गया भाई। हलीमा नहीं है हमारी मुर्गी, है ढीठ मुर्गी, क्योंकि वो हरकत ऐसी ऐसी करती है। खैर यार अपने चूजों को भी खोल देते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और यार दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा, चोर कल भाग चुका है यार। चोर को मैंने इसके अंदर बंद करा हुआ था, लेकिन अब वो भाग चुका है यार। और उम्मीद करता हूँ आज हमारी छत पे से कोई भी चीज़ चोरी नहीं हुई होगी। वैसे भी मैंने चेक नहीं करा सही से, लेकिन अपने कबूतर वगैरह चेक करके बताता हूँ आप लोगों को यार कोई चीज़ चोरी हुई या नहीं हुई। क्योंकि चोर बोल के गया था कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी छत से रोज़ आके चोरियाँ करूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई है चोरी हुई हो। खैर अभी हम लोग सही से देखते हैं यार, कबूतर हमारे पूरे नज़र आ रहे हैं और मुर्गियाँ तो पूरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यार दोस्तों आ चुकी है गाजर हमारे रैबिट के लिए। ये लो खा लो खा लो खा लो भाई, खा लो खा लो खा लो, अपनी फेवरेट डिश खा लो, गाजर खा लो। और दोस्तों हमारे रैबिट ने गाजर खानी स्टार्ट कर दी यार। दोस्तों बेचारा जब से अकेला हुआ है ना, मेरे को बहुत तरस आ रहा है इसके ऊपर, लेकिन इंशाल्लाह बस नेक्स्ट संडे मैंने बोल दिया इसकी फीमेल आ जाएगी तो आ जाएगी। और यार दोस्तों अब रैबिट को भाई हम अंदर ही खाने देते हैं, और अपने कबूतरों को बाहर निकालते हैं। बस अल्लाह करे यार अर्तरुल जो है ना वो हमारे कबूतरों को मारे नहीं दोस्तों, हम सारे कबूतर एक एक करके बाहर आने लगे हैं। वैसे अर्तरुल ने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मारना छोड़ दिया है, बस अर्तरुल को एक ही दफा सजा दी थी, उसके बाद से अर्तरुल हमारे कबूतरों को बिल्कुल भी नहीं मारता है। और यार दोस्तों अपने कबूतरों को दाना डाल देते हैं भाई, सारे कबूतर आ जाएंगे। अब देखें यार दाना डालते के साथ ही सारे कबूतर आ चुके हैं। बाकी अगर अर्तरुल ने अटैक करा ना कबूतरों के ऊपर, मैं इसको दोबारा सजा दे दूंगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को, अर्तरुल को जैसे सजा मिली है ना, उसके बाद से हमारे एक कबूतर पर भी अटैक नहीं करा इसने। बाकी जो यार दो बेबीज थे ना भाई, आप लोग पूछ रहे हैं वो कहाँ है यार, उनको मैं केज के अंदर बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ना उनके भी पर काट सकते हैं, सर्दियाँ चल रही हैं। कबूतर बाजू ने बोला अगर पर काटोगे तो कमजोर हो जाएंगे, उनके पर भी नहीं काट सकते, और इनको इनके साथ छोड़ूंगा तो ये भाग जाएंगे, क्योंकि इनके तो सबके पर कटे हुए, बाकी बस इसके नहीं कटे हुए यार। ये बड़ा अच्छा कबूतर है, भागता भी नहीं है। ब्लैक वाले के भी पर मैंने काट दिए, क्योंकि ब्लैक वाला बहुत फंटर बन रहा था दोस्तों, तो ब्लैक वाले के पर कट चुके हैं। पहले भाग भी चुका था वो, तो शुक्र है ईशान भाई ने पकड़ लिया था, वहाँ जाकर बैठा था। और दोस्तों आज ना सामने वाली छत के ऊपर एक दो कबूतर बैठे हुए ईशान भाई की छत पर, मैंने ईशान भाई को कॉल करके बता दिया। देखें यार एक व्हाइट कलर का बैठा हुआ है और एक ब्राउन कलर का बैठा हुआ है दोस्तों, ये दो कबूतर बैठे हुए, इनको ट्राई करते हैं अपनी छत पर लाने की जब तक ईशान भाई नहीं आ रहे। जैसे ईशान भाई आएंगे ना, ईशान भाई इनको पकड़ लेंगे। वैसे हम लोग ट्राई करते हैं यार शायद ये हमारी छत के ऊपर आ जाए। और आज हमारा भी भाई न्यू बेबी बाहर आ चुका है दोस्तों, चेक करें माशाल्लाह यार कितना बड़ा हो चुका है भाई यही। यार दोस्तों कबूतर को खुले में काफी टाइम हो चुका है, और यार हम लोगों ने अपनी फंटर मुर्गी को भी नहीं खोला। फंटर मुर्गी को खोलते हैं और इसको चेक करें भाई, मोटू कबूतर को भागने की कर रहा है क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। और ये कौन खड़ा हुआ है यार, क्या हुआ, कौन हो आप लोग यार? हम आपके सब्सक्राइबर हैं, आपको बताया था ना हम आ जाएंगे। भाई तो सब्सक्राइबर हो तो ऐसे क्यों झाग रहे हो, चोरों की तरह क्यों हरकत है? आ जाओ दोस्तों भाई, हमारी छत पे सब्सक्राइबर मिलने आ गए यार अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बड़ी खुशी होती है कोई सब्सक्राइबर मिलने आता है। और अंकल आए हैं आज यार सब्सक्राइबर हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे खैरियत है? और ये कौन है? वालेकुम सलाम, हाथ उनके हाथ की मिला रही है उनसे, तीन हाथ मिला लिया हमसे। खैर यार सब्सक्राइबर हैं भाई, सब्सक्राइबर के लिए हर चीज़ कर सकते हैं। आप लोग वीडियो वगैरह देखते हैं? जी हम आपकी वीडियो बहुत देखते हैं, हमारे बच्चे भी बड़े शौक से देखते हैं आपकी वीडियोस वगैरह। पसंद आती हैं आपको? बहुत अच्छी वीडियो। चलें ठीक है आप एक जगह पे बैठ जाएं दोस्तों, सब्सक्राइबर्स को एक जगह पर बिठा देते हैं यार, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे भाई। सब्सक्राइबर आए दोस्तों आज, मेरे को बहुत खुशी हो रही है यार सब्सक्राइबर मिलने के लिए आए। एक जगह बैठ जाएं, यहाँ पे बैठ जाएं आप लोग, कबूतर परेशान होंगे ना तो बर्ड्स वगैरह देख लें। हाँ चलें देख लें, कोई मसला नहीं है दोस्तों। यार सब्सक्राइबर बोल रहे हैं हम आपके बर्ड्स वगैरह देखना चाहते हैं, हम इनको बोल रहे हैं भाई देख लें। अच्छा आप मेरी वीडियोज़ वगैरह देखती हैं दोस्तों? कह रही है भाई मेरी ना वीडियोस वगैरह देखती है और इनको अच्छी लगती है। और कौन कौन सी वीडियोस आपने देखी हुई है मेरी? सारी देखी है भाई इन्होंने दोस्तों। यार सब्सक्राइबर जब छत पे मिलने के लिए आते हैं ना बहुत खुशी होती है। अंकल ये क्या कर रहे हैं रैबिट के साथ आप? एक जगह बैठ जाए ना आप। मैं तो आपकी रैबिट देख रहा था ना यार दोस्तों। अंकल भाई सब्सक्राइबर है कुछ भी नहीं बोल सकते, सब्सक्राइबर जो भी करें ना छत पे आगे हम उसको कुछ नहीं बोलना चाहते यार। खैर अंकल बोल रहे हैं यार मैं सिर्फ रैबिट्स वगैरह देखने में लगा हूँ। चलें देख लें देख लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन केज वगैरह में घुसे तो नहीं ना? अरे यार अंकल दोस्तों हमारा मोटू कबूतर उड़ गया अंकल के चक्कर में। चलें जाए देख लें यार, देख लें जाए दोस्तों। यार कुछ भी नहीं बोलेंगे अंकल को यार। अंकल भाई केस के अंदर देखना चाह रहे हैं कि हमारे कबूतर वगैरह कैसे हैं, अंदर जा रहे हैं क्या जी? यार दोस्तों ये कैसे सब्सक्राइबर है, आते के साथ भी हमारी छत पे भाई, आते के साथ ही हमारी छत पे घुसना शुरू हो गया केज के अंदर। कभी इस केज में जा रहे हैं, कभी किस केज में जा रहे हैं। खैर हम सब्सक्राइबर कुछ भी नहीं बोलेंगे। आंटी आप कुछ खाएंगी? पेट अरे चाय वगैरह चलेगी करके, को
200 सब्सक्राइबर कह रहे हैं भाई, कोल्ड ड्रिंक मंगवा ले। खैर इनके लिए हम लोग कोल्ड ड्रिंक मंगवाते हैं। अंकल ये क्या कर रहे हैं, कबूतर को पिंजरा क्यों बाहर निकाल कर लिया है आप? नहीं मैं कबूतर देखने के लिए आया था, अंदर अच्छे नहीं लग रहे थे, बाहर निकाल के सही से देखूंगा। अंकल चीजों में नहीं घुसना सब्सक्राइब। अच्छा दिखा दे दोस्तों, यार कह रहे हैं भाई अपनी वाइफ को दिखाऊंगा, तो मैंने बोला दिखा दें कोई मसला नहीं है यार, दिखाने में लगे मैं। चले बस ज्यादा इनको परेशान नहीं करिएगा, दोनों हमारे पट्टे हैं और एक हमारे को गिफ्ट आया कबूतर ना, ये भी सब्सक्राइबर नहीं दिया है दोस्तों। यार ये सब्सक्राइबर यहाँ पर बैठे हैं, खैर इनको बैठे रहने देते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ अपने सारे कबूतरों को बंद करके ना फंटर मुर्गी को खोल देता हूँ। तो हमने ना भाई अपने कबूतरों को बंद कर दिया है और ये आंटी क्या करने में लगी हुई है। आंटी क्या कर रही हैं आप? आंटी ये क्यों खोल दोस्तों हमारी फंटर मुर्गी को आंटी ने खोल दिया, आपने क्यों खोल दिया इनको? चेक कर रही हूँ दोस्तों। यार आंटी कह रही है कि भाई चेक कर रही हूँ मैं। यार खैर यार मुझे कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने आज तक ऐसे सब्सक्राइबर्स नहीं देखे। इन्होंने ना परेशान करके रख दिया छत के ऊपर, आपने मुर्गी खोल दी और आप कबूतरों को देख। बस इनको दिखाएं, मैं अंदर रख रहा हूँ, दिखाएं। नहीं ना मैं चेक कर रहा हूँ इनको। अरे कैसे चेक कर रहे हैं, आधे घंटे से आप कबूतर देखने में लगे, मैं क्या चेक कर रहे हैं इनको? खुशी होती कबूतर मेरे पास होता ना। चलें बस यहीं लेके बैठे रहे, ज्यादा परेशान नहीं करिएगा इनको दोस्तों। यार ये भाई रखने ही नहीं दे रहे। खैर मैंने इनको बोल दिया भाई ज्यादा परेशान नहीं करिएगा जब तक हमारी फंटर मुर्गी खुली हुई है दोस्तों। और यार फंटर मुर्गी को भी थोड़ी सी डाइट वगैरह डाल देते हैं दोस्तों। भाई काफी टाइम हो चुका है फंटर मुर्गी को खुले हुए, और हमारे सब्सक्राइबर भाई साहब कहाँ जा रहे हो? अंकल कहाँ जा रहे हैं? बस हम घर जा रहे हैं, बस हमने देख लिया आपके जैसे परिंदे वगैरह सब। अरे चाय भाई कोल्ड ड्रिंक कुछ भी नहीं पियेंगे? नहीं भाई बिस्मिल्लाह हम सब खा पी कर आए थे, आपका बहुत शुक्रिया, आपके परिंदे बहुत अच्छे लगे। चले कबूतर कैसे लगे आपको? कबूतर का एज क्या है वाला? वो मैंने रख दिया अंदर ही, रख दिया अंदर रख दिया। आंटी आप भी जा रही हैं? चले ठीक है। आंटी आपको कैसे लगे कबूतर? ठीक है ठीक है। अंकल केज कहाँ रखा है आपने? कबूतर के पिंजरे में रखा है ना? ठीक है यार दोस्तों, आंटी को भाई आराम से उतार देते हैं। अल्लाह हाफिज़। नहीं आराम से नहीं, हम जल्दी जल्दी जाएंगे। जल्दी जल्दी जाओ दोस्तों। यार ये कैसे सब्सक्राइबर हैं, भागते हुए जा रहे हैं भाई। खैर यार दोस्तों हमारे कबूतरों को इन्होंने रख दिया है कबूतरों के ही केज के अंदर। तीन कबूतर जो है हमारे अलग से अंकल को बड़े पसंद आ रहे थे दोस्तों, वाले कबूतर ना अंकल को बहुत पसंद आए भाई। खैर हम लोग अब उन कबूतरों को भी बाहर खोल के दाना वाना खिलाते हैं। देखता हूँ कहाँ रखे हैं कबूतर। यार दोस्तों कबूतर तो मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहे भाई। दोस्तों कबूतर कहाँ चलेगा यार हमारे? मुझे तो लग रहा है दोस्तों अंकल ने स्कैम कर दिया हमारे साथ, तो चोरी कर लिए भाई सब्सक्राइबर ने, हमारे छत पे चोरी कर लिए। देखता हूँ यार कहाँ तक पहुंचे दोस्तों। ये तो मेरे लिए भाग गया यार सब्सक्राइबर ने, दोबारा हमारे साथ स्कैम कर दिया भाई। ये सब्सक्राइबर नहीं था मेरा लीजा, जिसको कल भाग गया था हमारी छत के ऊपर से चोर बनकर, और बोल के गया था कि मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा, छत पे चोरियां करूंगा। यार दोस्तों आज दोबारा स्कैम हो गया हमारे साथ, मीराली भाई मेरे फेवरेट कबूतर ले गया यार। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया मीराली ने किस तरह हमारे साथ यार स्कैम करा। यार दोस्तों कल भाग गया था छत पे से, आज अंटी बनकर आया और ये मीराली था और एक हुमायूं था, जहां तक मेरा आईडिया है ना दोस्तों। वो जो अंकल बने हुए थे वो हुमायूं थे और मुझे पता ही नहीं लगने दिया, मुझे लग रहा था यार दोस्तों, वरना ऐसे कैसे सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं कि यार उन्होंने ना केज में बार बार घुस रहे थे हमारे। मेरा जहन ही काम नहीं करा यार, पता नहीं क्या पढ़कर आए थे, बस मेरा दिमाग ना सुन हो गया था, अचानक चोरी करके ले गया। यार दोस्तों आप लोगों ने दुआ करनी है, कल कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा इनको पकड़ने का, वरना हमारे कबूतर भी जा चुके हैं और रोज ये किसी तरह आएंगे यार चोरी करके जाएंगे। आज बिल्कुल मेरे जहन में नहीं आए लोग ये भी कर सकते हैं। यार दोस्तों आप लोगों ने प्लीज़ दुआ करनी है कि हम लोग, और कल की वीडियो में मैं इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसा ट्रिक लगाऊंगा कि इनको पकड़ने के लिए ना कुछ हम लोगों ने इनके लिए ट्रैप बनाना पड़ेगा। यार दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज नुकसान तो हो चुका यार, क्या कर सकते हैं, लेकिन आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।